बीएड और बीटीसी का जो मामला था पूरे भारत से सुलझ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया। इसके साथ अब प्राथमिक के शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, रीट हो, इनका जो प्रभाव है भारत के सभी राज्यों पर पड़ने वाला है। ये जो ये फैसला दिया गया है ये बेशक राजस्थान के निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया, लेकिन ये निर्णय के फॉलो होते ही सीटेट की जो मार्कशीट थी प्राइमरी की, जो बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में सीटेट पास थे उनके जो मार्कशीट थी, उनके जो डिग्री थी, उस पर भी प्रशिक्षण लगा दिया। मतलब अब प्राथमिक शिक्षक के लिए जो सीटेट पास थे, सीटेट उत्तीर्ण थे, अब उनकी योग्यता ही समाप्त हो गई। जब योग्यता समाप्त हो गई तो वो भर्ती के लिए किसी की दावेदारी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश में टेट 2021 होने के बाद, मानी यूपी टेट 2021 होने के बाद यह उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में मार्कशीट मिल जाए, लेकिन मार्कशीट मिलने के लिए सुप्रीम हाईकोर्ट में एक याचिका थी। हाईकोर्ट की जो याचिका को बाद में चलकर जो राजस्थान की कोर्ट हाईकोर्ट था उस पर अटैक कर दिया गया था, और बाद में आज के निर्णय से जो मतलब पिछला निर्णय हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, अंतिम फैसला आया है, उस फैसले से एक बात तो एकदम साफ और स्पष्ट हो गई कि बीएड के अभ्यर्थी को प्राथमिक का जो प्रमाण पत्र मिलता था यूपी टेट का, उस पर भी अब संकट है। अब केवल बीटीसी और डीलेड के अभ्यर्थी यूपी टेट 2021 का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और जिसका उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बीएड के अभ्यर्थी के लिए प्राइमरी का टेट, प्राइमरी का सीटेट का कोई मतलब, कोई औचित्य, कोई अर्थ नहीं रह गया। मतलब 1 से 5 के लिए अगर आपको सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनना है, उसके लिए जो योग्यता का पैमाना है वो अब बीटीसी, डीएलएड, बीएसटीसी रखा गया है, और उसके ऊपर के लिए जूनियर के लिए टीजीटी, पीजीटी, खंड शिक्षा अधिकारी जिसे बीओ कहते हैं, केवीएस के जूनियर, डीएसएसबी के जूनियर, अन्य सभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में अब केवल केवल बीएड के अभ्यर्थी ही सम्मिलित रहेंगे। अर्थात बीटीसी के अभ्यर्थियों के लिए केवल केवल प्राथमिक तक का ही दायरा तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि राजस्थान ने जो फैसला दिया था, एनसीटी के जो गाइडलाइन थी उस पर जो फैसला सुनाया था वो सत्य था, सही था, मतलब सत्य क्या, सही था, और अब उसी फैसले को बरकरार रखा गया है। और एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उसे ये माना गया कि आरटी 2009 के खिलाफ था, आरटीई 2009 को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता था, जिस आधार पर इस अधिसूचना को, उस गजट को रद्द किया जाता है। उस गजट के रद्द होने के बाद अन्य भी भर्तियों पर संकट के बादल आ सकते हैं। जैसे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर बार बार अभ्यर्थी बात को लेकर परेशान है कि सर क्या 69 शिक्षक भर्ती पर भी संकट के बादल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए कुछ परसेंट तो ये संभावना बनती है, लेकिन वहां पर इस बार का कतई जिक्र नहीं किया गया है आर्डर में कि इसका प्रभाव उन पुराने अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जिनकी नियुक्ति हो चुकी है। किंतु ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, किंतु ये न्यायिक प्रक्रिया में आता है, इसलिए अगर रीट पड़ती है, सुनवाई होती है, तो हो सकता है कि कुछ, जब एनसीटी गाइडलाइन ही रद्द है तो किस आधार पर बीएड प्राथमिक में वैलिड है, तो इस तरह के सवाल उठ रहे हो, तमाम तरह के सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज भी वायरल हो रहे हैं। उसको देखने के बाद तमाम तरह के अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो प्राथमिक में भर्ती हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, तो ये खबर कहीं खुशी कहीं गम के लिए है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो धैर्य बना के रखें, चाहे आप बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, चाहे बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो फैसला है उस फैसले को स्वीकार करना है और इस फैसले का सम्मान करना है, माननीय सरकार के फैसले का, माननीय न्यायालय के फैसले का अब हमें सम्मान करना है। अब क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता, जो हो चुका है इस पर सर पीटने के बजाय अब आपको खुद को मजबूत करना होगा, चाहे आप बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, बीएड के अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, अब आगे जो होगा वो आपके लिए व्यक्तिगत नहीं होगा, आप सभी के लिए होगा, हम सभी के लिए होगा, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा। इसलिए किसी प्रकार आवेश में आकर कोई अपने मन में ऐसा विचार नकारात्मक ना लाए, अपने परिवार के उम्मीदों को ध्यान में रखें। आप एक बड़ी भर्ती के लिए बने, अगर बीएड परीक्षा की बात करें तो आप एक बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए बने हैं, आप हायर के लिए बने हैं, आप जूनियर के लिए बने हैं, आप माध्यमिक के लिए बने हैं, बीटीसी डीएलएड केवल प्राइमरी तक ही सीमित है। फिर भी एक सवाल आता है कि इंटर के मतलब बीटीसी 2 वर्ष है, बीएड 2 वर्ष है, एक को 1 से लेकर 12 तक परीक्षा मौका था, एक को केवल 1 से लेकर 5 तक था, तो यह भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी पर्दा उठा दिया और पूरी तरह से अपना निर्णय
देकर यह साफ और स्पष्ट कर दिया है कि बेसिक में पीआरटी में सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको एलिमेंट्री कोर्स करना होगा, डिप्लोमा होगा जैसे बीएड, अब डिग्री है तो बीएड के अभ्यर्थी हायर में जाएंगे। इस तरह से आप अभी आपने टीजीटी पीजीटी अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो टीजीटी पीजीटी पर फोकस करिए, जिन्होंने नहीं दिया है टीजीटी की पद रिक्त दिख रहे हैं, निकट भविष्य में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल रहे हैं जिसमें सुपर टेट भी होगा और उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी। आप अपना सब्जेक्ट का जो चयन है, अपने विषय का जो चयन है, एक बार उसे देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई समस्या आती है तो हम उसमें आपकी मदद कर पाएंगे कि कौन कौन सा विषय, क्योंकि जैसे कम्बिनेशन सब्जेक्ट जो होता है मिलाना कि सर हम सोशल से देना चाहते हैं क्या क्या होना चाहिए, इंग्लिश से, हिंदी से, संस्कृत से, तो तमाम तरह के कुछ ना कुछ बंदिशें हैं उस विषयों का जो स्नातक में आपके होने चाहिए, इंटर में होने चाहिए, कई जगह केवल स्नातक से मतलब है, कई जगह इंटरमीडिएट से लेकर आपको मतलब है भाषा की अगर हम बात करें तो उस प्रकार से आप उसमें फोकस करें और आप अब अपना बेस्ट और बेहतर देने का प्रयास करें। होना जो था हो चुका है, अब आप खुद को मजबूत करिए, इन परीक्षाओं पर सीधा सीधा फोकस करिए और खंड शिक्षा अधिकारी की अध्याचन हो रहा है उस पर भी एक बड़ी भर्ती आ सकती है, मतलब पद की बात करें तो 300-400 ही पद होते हैं लेकिन वो पद काफी अहम होते हैं। टीजीटी पीजीटी के 4000 पद हैं, एलटी ग्रेड की अध्याचन शुरू, क्योंकि एलटी ग्रेड में ही कुल बीएड के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं, बीटीसी के अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो सकते, तो 9,000 से 10,000 पदों पर एलटी ग्रेड की अध्याचन चल रहा है और इसमें अगर हिस्सा लेने की बात की जाए तो जो बीएड के अभ्यर्थी है वही हिस्सा ले पाएंगे, लेकिन अगर शिक्षक भर्ती प्राथमिक की सुपर टेट की बात करें, जो भविष्य में निकट भविष्य में सुपर टेट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में या होगा, उसमें अब बीएड के अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं होंगे। यूपी टेट की जो परीक्षा होगी, यूपी टेट में प्राथमिक के लिए केवल बीटीसी है और जूनियर के अभ्यर्थी जो जूनियर परीक्षा देना चाहते हैं यूपी टेट के लिए वो बीएड के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। और दूसरी बात यह है, अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति भी होती उत्तर प्रदेश में तो 68,500 की भांति इसमें केवल बीटीसी और शिक्षा मित्र सम्मिलित हो पाएंगे। एक सवाल और आ रहा है कि अगर आप शिक्षा मित्र, क्या उनको फिर वेटेज मिलेगा? नहीं, सरकार ने उन्हें 2 मौके दिए थे, अब इस पर भी विचार सरकार कर सकती है, मतलब शिक्षा मित्र के वेटेज भी नहीं रहे, मतलब अब बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी जो सीटेड या यूपीटेड पास थे उनके लिए सरकारी शिक्षक बनने के रास्ते धीरे धीरे खुलते नजर आ रहे हैं। अगर आपने मेहनत की, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको सरकारी शिक्षक बनने में जो समस्याओं के पर लगे थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। भर्ती में हो सकता है विलंब हो या हो सकता है जल्दी भी हो, लेकिन आपके लिए बेहतर हो सकता है, इसलिए आप अपने तैयारी को फोकस करिए, आप अपने तैयारी पर अडिग रहिए, यकीनन आपके लिए कुछ बेहतर और कुछ बड़ा होगा। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, खुद पर ध्यान रखिएगा, कोई गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि आपके लिए आपका परिवार सर्वोच्च है, आपके परिवार की पहली प्राथमिकता है, उन्होंने एक एक पैसे जोड़कर आपको पढ़ाया है, आपकी तैयारी कराई है, आपके फीस भरे हैं, तो आपके किसी ऐसे सोच ऐसे विचार से उनके ऊपर क्या बीतेगी, एक बार ये बात अपने मन में जरूर विचार करिएगा। वैसे आप सभी लोग को जो भी, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा सदमा लगा, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था ताकि आपके अंदर कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन ना आए और आप लोग कोई ऐसे कदम ना उठा ले जो यह समाज स्वीकार ना करे, यह परिवार सब स्वीकार ना करे, इसलिए आप लोग खुद पर ध्यान रखिए, मजबूत बनिए और एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि धैर्यवान होना, तो आपको धैर्यवान होना काफी जरूरी है और इसलिए रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और रेस के घोड़े और एक बड़ी रेस के घोड़े हैं और अब बड़ी रेस में अच्छे लगते हैं, छोटे रेस में नहीं। तो इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आपको स्वीकार करना है, सहृदय स्वीकार करना है और इसी के सापेक्ष, इसी के आधार पर आपको अपनी आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो पढ़ाई है, उसी के अकॉर्डिंग जारी रखना है। ढेर सारे सवाल, ढेर सारे प्रश्न थे, बिहार शिक्षक भर्ती में भी अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो तो व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा में देखा जाए तो वहां पर भी बीएड परीक्षा देने जाने से कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपने आवेदन किया है, फॉर्म भरा है, परीक्षा अगर आपकी तैयारी अच्छी तो दे दीजिए, अगर आपको लग रहा है आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो देने जाने से मतलब नहीं, वैसे इस पर आप व्यक्तिगत निर्णय लीजिएगा आपको क्या करना है। और राजस्थान हुआ, अच्छा एक सवाल आ रहा है कि सर जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनके लिए देखिए अभी जो आर्डर कॉपी उन राज्य की सरकारों तक जाएगी, उसका अध्ययन करेंगे, उसके हिसाब से वो निर्णय लेंगे आगे क्या होना है, ये भविष्य के गर्भ में है और जो होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश समेत, राजस्थान समेत भारत के सभी राज्यों से बीटीसी प्राथमिक के लिए वैध कर दिया गया है और बीएड के अभ्यर्थी
उसके ऊपर मतलब 6 से लेकर 12 तक की परीक्षाओं शिक्षकों के लिए या पढ़ाने के लिए उन विद्यालयों के लिए ही शिक्षक होंगे, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है और इसे स्वीकार करना हम सबका दायित्व है और एक भारत नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि माननीय न्यायालय के फैसले का भी सम्मान करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो लाइक और शेयर करिएगा, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपके लिए निःशुल्क क्लासेस देश हित में राष्ट्रहित में लाता रहता हूं, और मैं चाहूंगा आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, आप अपना बेस्ट और बेहतर देते रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय। हाँ, टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग पे दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, अगर कोई व्यक्तिगत सवाल है तो लर्निंग पे दुर्गेश इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।